आर वेल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। इस वीडियो में आज हम ई की मात्रा का अभ्यास करेंगे, यानी कि छोटी ई, उसका हम अभ्यास करेंगे। और आपको मैं मात्रा जो है वो बहुत ही इनोवेटिव वे में सिखाऊंगी। एक एक्सरसाइज के थ्रू हम मात्रा का अभ्यास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम जो ऊ की मात्रा लर्न करेंगे वो हमारा ये चैप्टर है गुड़िया की शादी। इस चैप्टर के थ्रू हम ऊ की मात्रा का रिवीजन करेंगे और उसे लर्न करेंगे। जिन्हें नहीं आती है वो इसमें लर्निंग कर सकते हैं, और जिन्हें पहले से आती है वो इस मात्रा का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं और नीचे शब्दों को अलग अलग करके लिखा गया है, फिर बाद में उन्हें मिलाकर भी लिखा गया है। तो यहां पर आपको क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही होगी कि ऊपर पिक्चर्स है, पिक्चर्स का रिकॉग्निशन आपको करना है और नीचे उनके जो भी हैं वो उनके बारे में उनको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक टॉर्टोइस बना है जिसे आप हिंदी में बोलते हैं कछुआ। इसे अलग अलग करके लिखा गया है, क प्लस छ प्लस ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा की जो शेप होती है वो इस तरह से होती है और ये मात्रा जो है वो डाउनवर्ड साइड में लगती है, यानी कि शब्दों के नीचे लगती है। अगर मुझे क पर ऊ की मात्रा लगानी है तो इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, और जो इसकी साउंड होती है वो होती है ओ, यानी कि अगर किसी भी शब्द पर आप ओ की मात्रा लगाते हैं तो वो और उ की अपनी साउंड और जो वो व्यंजन होता है उसकी अपनी साउंड मिलकर एक नई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहां लिखा हुआ है गा, गा पे ओ की मात्रा, यानी गो, गुड़िया की शादी, गुड़िया की शादी। ठीक है, तो यहां हम रिविजन करेंगे। यहां देखिए ये चूहा है, ये चूहिया यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, चू ही या। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है गु झी या, यानी गुजिया। गुजिया सबने होली पर खाई है, सबको पता है ना गुजिया कितनी टेस्टी होती है, ये वही है। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी स्टोरी यहां पे बताई गई है गुड़िया की शादी के बारे में, यहां सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए गुड़िया की शादी करते हैं आज सब लोग मिलकर और बहुत एंजॉय करेंगे इस वीडियो में। तो चुनमुन की शादी, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वर्ड्स जो हैं, जो भी ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं उनमें ऊ की मात्रा जो है वो बड़े ये रेड कलर से हाईलाइट की गई है। किस कलर से? रेड कलर से हाईलाइट की गई, यानी कि बाकी सारा ब्लैक और जो ऊ की मात्रा है वो रेड कलर से हाईलाइट यहां पे की गई है, जिससे कि आपको दूर से दिखाई दे जाए कि ये हाँ ऊ की मात्रा है। चलिए तो देखते हैं, पढ़ते हैं। चुन मुन की चुन मुन, यानी चुन मुन की गुड़िया की शादी थी। ठीक है, सेंटेंस यहां फिनिश हो गया, इसलिए यहां पर इसने पूर्ण विराम यूज किया है। पूर्ण विराम का मतलब होता है सेंटेंस जब फिनिश हो जाता है तो एक स्टैंडिंग लाइन प्लेस की जाती है सेंटेंस के बाद में, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं इंग्लिश में। यही अगर सेंटेंस फिनिश होता है तो वहां पर फुल स्टॉप प्लेस किया जाता है, तो ये हिंदी का फुल स्टॉप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चा पर देखिए उसने ऊ की मात्रा लगाई है, और तो ये जो नई साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है चो, फिर है ना, फिर माँ पे ऊ की मात्रा है तो मु, जो न मुन बहुत खुश थी। ठीक है, वह चुनरी व मुकुट लाई, चुनरी व मुकुट लाई, गुलाब की माला लाई, गुड़िया सजाई, गुड़िया दुल्हन की तरह सज गई। देखिए ये यहाँ पिक्चर में आपको इमेज में क्लियर दिख रहा होगा, ये गुड़िया है और ये गुड्डा है। गुड़िया को सजाया गया है दुल्हन की तरह। गुड्डा बारात लाया, गुड्डा क्या लाया? बारात लाया। सबने ठुमक ठुमक कर नाच दिखाया, तो ठुमक ठुमक ऊ की मात्रा। गुजिया गुलाब जामुन खाए, मधुर गीत गाया, गुड़िया गुड्डा का विवाह हुआ। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू यहां पर इन्होंने ऊ की मात्रा को बताया है। एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा आपको खुद करना है। अब यहाँ पे है पढ़ो और लिखो, पढ़ो और बोलो, यानी कि पहले आपको इसको रीड करना है, फिर आपको इसके साथ बोलना है कि ये क्या है। यानी कि मैं दो वर्ड आपको पढ़ के बता रही हूँ, बाकी आपको खुद से करने हैं। खुश, गुझिया, मुकुट, थ्री आपको खुद से करने हैं, ये होमवर्क है। ठीक है, ये खुद से आपको रीड करनी है। नेक्स्ट है बोलो और लिखो, यानी पहले बोलना है क्या लिखा है, पहचानना है, समझना है, उसके बाद यहाँ पे उसकी राइटिंग करनी है। मधुर, मधुर, म धा, धा पे ऊ की मात्रा है तो ऊ हो गया धु, मधुर, मधुर। ठीक है, तो ये बोलो और लिखो हो गया। अब है नेक्स्ट मिलाकर लिखो। मिलाकर लिखो में ये है जा मुन, तो जा मुन,
जा लिखा हुआ है जहां पे आ की मात्रा पहले से, तो हमने लिख दिया प्लस। जब भी हम मिला के रखते हैं तो इन प्लस को जो भी है वो हम रिमूव कर देते हैं और वर्ड्स को आपस में ज्वाइंट करके लिख देते हैं, तो एक वर्ड बन जाता है जामुन। नेक्स्ट आपको लिखने हैं ये दोनों, गुड़िया और मुकुट, यहां लिखने हैं प्लस हटा के। फिर है नाम से मिलाओ। अब मिलाने का मैंने आपको कई बार प्रोसेस बताया है कि पहले वर्ड्स को पढ़िए, बाद में पिक्चर्स को सर्च करिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, पहले इससे ऐसे लाइन ले लेते हैं और फिर यहां से ढूंढना शुरू करते हैं कहां पर है, तो क्या होता है उससे जो मिलान है वो बिल्कुल क्लियर और नीट एंड टाइडी नहीं हो पाता। तो आपको सफाई से करना है, बहुत क्लियरली यहां पे दिखना चाहिए कि किस वर्ड से किस इमेज को मिलाया गया है, ठीक है। तो यहां पर है चूहिया, जैसा कि हमें शुरुआत में ही बताया जा चुका था, है ना। अब यहां देखते हैं, हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हम पहले रीड करेंगे ये क्या लिखा है। गुड़िया, गुड़िया, ये गुड़िया नहीं है, ये भी गुड़िया नहीं है, ये गुड़िया है, यानी डायरेक्ट आपको लाके यहां से इससे मैचिंग करनी है, ठीक है। फिर है चूहिया, चूहिया हमने सबसे पहले देखी थी, चूहिया आ गई। फिर है गुलाब जामुन, अब देखिए ये तो गुलाब जामुन है नहीं, ये भी गुलाब जामुन नहीं क्योंकि ये गुजिया है, ये गुलाब जामुन नहीं है, ये अब ये है आंटी जी, अब लेकिन यहां पे थोड़ा सा बुढ़िया लिखा है तो अब मैं आपको ये बताना मुश्किल है मेरे लिए, बुढ़िया है ये, ठीक है। फिर है ये आपका गुलाब जामुन, ये रही इमेज, तो ये आपकी गुलाब जामुन की इमेज इससे मैच हो जाएगी, ठीक है। बाकी के थ्री आपको खुद से करने हैं, बुढ़िया गुजिया लुटिया, सर्च करिए और उनको आपस में मैच करिए। यहां पर है ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ, ठीक है। तो ऊ की मात्रा लगाकर यहां पर शब्द बनाने हैं, एक शब्द इसने खुद बना दिया है, बाकी हमें बनाने हैं। अब देखिए यहां से मैं अगर गा उठा लूं और गा पर उ की मात्रा लगा दूं, ठीक है, फिर ला यहां दे रखा है, बा यहां दे रखा है, ये हो गया गुलाब, ठीक है। अगर मैं यहां से बा उठा लूं और यहां पर उ की मात्रा लगा दूं तो ये हो गया, और फिर ये या ले लूं तो ये हो गया बुलाया, ठीक है, बुलाया। अगर मैं यहां से बा ले लूं और उसमें ऊ की मात्रा लगा दूं, ढी यहां पर है और या यहां ही बुढ़िया, ठीक है, ऑल राइट। अब यहां से अगर मैं पा ले लूं, यहां से रड़ा ले लूं और यहां से या ले लूं तो ये हो जाएगा पुड़िया, ठीक है। तो ये आपके ऊ की मात्रा के पांच शब्द मैंने यहां पर, चार शब्द मैंने बना दिए हैं और फिफ्थ जो था वो पहले से यहां पे गिवन था हिंट के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अलग है उस पर क्रॉस लगाइए। अब देखिए ये ऑड वन आउट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको बोलते हैं ऑड वन आउट, ट्रिपल ओ, ठीक है। ट्रिपल ओ क्या होते हैं, इसमें कोई फोर ऑप्शन होते हैं, फोर ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होता है वो अलग होता है, बाकी सारे एक ही कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें सर्च करना होता है, हमें देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अलग कैटेगरी का है, उसे हमें अलग करना होता है, उस पर क्रॉस लगाना होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये है आपका सोप है, ये आपका रिन सोप है, ये यानी बाथ सोप है और ये कपड़े धोने का है, ओके। ये है सर्फ, तो तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके क्लीनिंग से रिलेटेड हैं, और यहां फोर्थ नंबर पे शूज दे रखे हैं, तो ये शूज पर क्रॉस करना है आपको क्योंकि यहां लिखा है क्रॉस लगाओ। तो ये ऑड वन आउट है इस आंसर, इस क्वेश्चन में ये ऑड वन आउट है बिकॉज बाकी सारे क्लीनिंग मटेरियल हैं, कोई बाथ सोप है, कोई आपका डिश वॉशर है, कोई सर्फ है, कुछ है इस तरीके की चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, टूथब्रश है, हैंड है, दंत मंजन है और टूथपेस्ट है। तो देखिए ये सारे टीथ के लिए हैं और ये हैंड इसका अलग हो गया, ये हैंड डिफरेंट है तो यहां क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट गा वाला जो है वो आपको खुद करना है, दिस इज होमवर्क। अब देखिए ये क्वेश्चन आंसर जो दे रखे हैं यहां, ये आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है। किसकी शादी थी, डैश की शादी थी, किसकी शादी थी, गुड़िया की थी, तो गुड़िया की शादी लिख दीजिए, गुड़िया की शादी थी, ठीक है। आपको गुड़िया लिखना है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है गुड़िया लिखना। गुड़िया किसकी तरह सज गई, गुड़िया दुल्हन की तरह सज गई, ये लिखा है वहां, गुड़िया दुल्हन की तरह सज गई। अब है क्वेश्चन नंबर एट, शादी में क्या क्या होता है। देखिए ये आपका ढोल बजा रहा है, डांस है और कलर फेंक रहे हैं दूसरे पे। तो देखिए ये जो पिक्चर है ये होली की पिक्चर है, ठीक है। तो ये आप देखिए ये नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता। और देखिए क्या होता है, ये स्टडी भी नहीं होती, ठीक है। तो क्या क्या होता है उस पर आपको टिक लगाना है, बिल्कुल बैंड बाजे आते हैं, बिल्कुल ये होता है, डांस होता है, वरमाला पहनाई जाती है और खाना भी खाते हैं लोग, अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी डिलीशियस डिलीशियस। तो ये दोनों पिक्चर्स बस रॉन्ग है, बाकी सारा राइट है,
ठीक है। नेक्स्ट है चित्र देखकर ऊ की मात्रा वाले संज्ञा शब्द लिखो। अब यहां पे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिए, मैंने सर्कल लगा रखे हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो ये सर्कल लगे हुए हैं, यानी इनमें जो ऊ की मात्रा के शब्द हैं वो मैंने यहां पर नोट किए रखे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे सबसे पहले ये है ऊ की मात्रा का शब्द हमें बताना, मुकुट। तो ये देखिए मुकुट यहां लिख दिया मैंने, मुकुट पहन रखा है मुकुट। फिर है ये चुटिया, चुटिया, ओके। फिर है बुढ़िया, ये रिंग ओल्ड लेडी बुढ़िया। फिर है ये देखिए इनके कानों में क्या है, कुंडल, कुंडल। फिर है आपकी चूड़ियां, ऑल राइट चूड़ियां। नेक्स्ट है मुद्रा, ये देखिए हाथ में जो प्लेट है उसमें सिक्के हैं, तो सिक्के को हम हिंदी में मुद्रा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये हो गया मुद्रा, ठीक है। अब देखते हैं एक से अनेक बनाओ, एक अनेक चूहिया। अब देखिए इसमें ना चंद्र बिंदु लगा के अनेक बनाने हैं, और इसमें या लगाना है और फिर उस पर चंद्र बिंदु लगा के अनेक बनाना है, यानी कि दोनों अनेक, एक अनेक होता है यानी सिंगुलर, और अनेक होते हैं यानी प्लूरल। तो सिंगुलर में एक होता है और अनेक में प्लूरल यानी मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो चूहिया, तो ये चूहिया, चूहिया का मतलब होता है एक से ज्यादा चूहिया, और चूहिया का मतलब होता है एक, वन, और यहां मोर देन वन, ठीक है। फिर ये बुढ़िया यानी एक, बुढ़िया यानी एक से ज्यादा, गुड़िया यानी वन, और गुड़िया यानी मोर देन वन, ठीक है। आगे देखते हैं मुर्गी, मुर्गियां, सुराही, सुराहियां, चुनरी, चुनरियां। अब देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि आपको या लगाना है या नहीं लगाना है, देखिए इनमें पहले से या लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी पे चंद्रबिंदु लगाकर इन्हीं को अनेक में बदल दिया गया, लेकिन इनमें या नहीं है तो इनमें पहले या लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद इनमें चंद्रबिंदु लगाकर आप इनको अनेक शब्दों में बदल सकते हो, नहीं तो नहीं बदल सकते। जो भी शब्द या पे एंड हो रहे हैं वहां पे आपको सीधे चंद्रबिंदु प्लेस करना है, और जो शब्द या पे प्लेस नहीं हो रहे हैं वो यहां पे नहीं एंड हो रहे हैं वहां पर आपको या लगाना है और उस पर चंद्रबिंदु प्लेस करना है, ठीक है। और आप बताइए अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, ये चैप्टर यहां पर आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद बड़े ऊ की मात्रा का, बड़े ऊ की मात्रा का रिवीजन हम करेंगे। आपको कोई भी अगर इसमें इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।